अभी हमने ले लिया है 20 रुपए की शुगर फ्री कोका कोला। वैसे ऐसा जैसी हालत है ना इस बॉटल की, मेरे को लगता है उसने भाई कुछ और ही भरा हुआ है, इसलिए देखो स्टिकर वगैरह सारे खराब पड़े हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आई सुबह सुबह उठ के जब भी कुछ एक चीज देखता हूँ तो इधर दिख जाता है फोन के साथ मेरी मम्मी, और कुछ भी नहीं दिखता। या वहाँ पे बैठी होगी या यहीं पे बैठी होगी जहाँ पे बैठी है। सो फिलहाल सबसे पहले बाहर अपना शीरो खड़ा है, इसको घुमाने चलते हैं, खाना डाल दिया था। चलो तो गाइस घुमाने आ गया भाई। आज धूप बहुत अच्छी है क्योंकि आज ना कल ये पोटी कर रहा, क्या दिखा रहा हूँ आपको, कल ये गंदा हो गया था, भीग गया था, इससे स्मेल आ रही है। आज नहला भी दूंगा इसको, और इसका भी मुँह देखो अब सही हो चुका है। इस टाइप का इस साइड काफ़ी स्वेलिंग है, बाकी सही है। चल आ जा शीरो, चल। मेरे कल छुट्टी थी, कल भी छुट्टी थी, आज क्यों छुट्टी है? एग्जाम चल रहे हैं ना तेरे, इसीलिए। चलो कोई नहीं, आ जा आ जा, चल भाई चल चल। गाइस ये रही वो मशीन जो मैं आपको ना रात दिखा रहा था, वो वाली मशीन है ये, देखो कितनी बड़ी है। जो ये पता किस चीज़ की मशीन है, क्या करती है ये, जो पानी निकालती है ना वो है ट्यूबवेल से, देखो कितनी बड़ी होती है ये, दत्ते से पानी इसी से निकलता है भाई, काफ़ी बड़ी मशीन है ये, देखो इंजन इसमें भाई ट्रक से भी बड़ा है। देखो गाइस अभी भाई पानी भर रहा हूँ, ये देखो क्या पानी चल रहा है, ये कल सुबह तक भरेगा ऐसे तो। बस वो मैं नीचे से भर लाया था, इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल रहा है, एडजस्टमेंट हो जाएगी। और बाहर धूप तो है ही है वैसे, बट फिर भी मैंने गर्म कर लिया पानी क्योंकि बाहर हवा भी चल रही है, शीरों को बीमार ना जाए भाई। अभी पानी नहीं है मेरे को लगता है भाई, ऊपर बंदी हो चुका है तो बिल्कुल ही, एक कप पानी का निकला, नीचे से ही भरना पड़ेगा मेरे को लगता है। सारा सामान आ चुका है, हेयर ड्रायर, शैम्पू, इस ड्रायर की तो जरूरत अभी है नहीं, यहीं पर रखते हैं इसको, टॉवल भी यहीं रखते हैं। और शीरो परम आ जा ले जा इसको यहाँ पे, चलो भाई इसको नहलाते हैं। आ जा कम शीरो, अब सारे सही हो जाएंगे, कोई नहीं भाई, देखो कैसे बाल आते हैं इसके। चलो गाइस नहलाते हैं इसको भाई। गाइस हीरो को नहला दिया, ये बैठा, और इसके ना भाई टिक्स आ चुके हैं ना, ये खुजली करता था, मेरे को लगता था भाई वैसे ही कर रहा है पट्टी की वजह से, बट मैंने आज देखा टिक्स है इसके, अब टिक्स वाला शैम्पू लेना पड़ेगा। गाइस इसको नहला दिया, सॉरी पंखे की आवाज़ को इग्नोर करना, ये देखो आराम से भाई हवा बैठ जाएगा। सो फिलहाल अभी मैं भी नहाता हूँ, उसके बाद निकलते हैं मैं और विक्की दरगाह पे मत्था टेकने, आज वीरवार की उड़ीक कर रहा हूँ। वेट आधे घंटे पहले जब नहाने लगा तब फ़ोन किया था अभी भाई, मैं नहा लिया हूँ आ जा, अभी तक नहीं आया मेरा दोस्त भाई, कैसा जंड दोस्त है। सो ये भी इतना सुंदर बच्चा बन के बैठा है, देखो सुंदर बच्चा, सुंदर बच्चा है तो सुंदर नहीं है, अभी देखना घर से जाऊंगा आराम से सो जाएगा, जैसे ही अंदर आया तो इतनी शरारतें करता ना, एक जूती है एक वो, इसके नीचे भी नहीं है कुछ, अभी तो सारे मैंने ये देखो इसी के लिए बंद किए हुए हैं तीनों चारों, मेरे रूम वाला खुला है जस्ट, क्योंकि वहाँ पर बाहर कुछ भी नहीं पड़ा, वरना हल। हाँ भाई आ गया वो, चल ठीक है निकलता हूँ भाई। सो गाइस निकल चुके हैं भाई, ये अपने साथ है अपना सभी, सबसे पहले तो दरगाह पे मत्था टेकने जा रहे हैं, उसके बाद भाई बैंक में काम है कोई तो वो भी करवाना है आज कल, इसने मेरे को बहाना लगा दिया, मैं चंडीगढ़ हूँ, है घर पे था ही, चंडीगढ़ गया नहीं था चंडीगढ़, स्कूल बस आ चुकी है। अभी हमने ले लिया है 20 रुपये की शुगर फ्री कोका कोला। वैसे ऐसा जैसी हालत है ना इस बॉटल की, मेरे को लगता है उसने भाई कुछ और ही भरा हुआ है, इसमें देखो स्टिकर वगैरह सारे खराब पड़े हैं। सो शुगर फ्री इसीलिए ली है क्योंकि भाई अभी थोड़ा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, पता नहीं इसमें भाई फैट होती है पता नहीं, नहीं सुन लिखा तो है अभी 0 कैलोरीज, बाकी देखते हैं। तो चलती बाइक पे कोक पीते हैं भाई, इसमें करंट ज़्यादा है उससे भी, ओए घंटे में से ना निकालियो सारा खत्म कर। देखो गाँव में पहुंच चुके हैं, पहले देखा नहीं जब ये कोकी बोतल ही ना जहाँ से वहाँ पे था भाई पंचर वाला, तब देख ली इसने तो भी भाई बंदा देख लिया कैसा है, तभी देख लेता पहले, देखो दिखा नहीं हद है तेरी, कैसा बेकार बंदा भाई, पहले नहीं दिखा इसको, पहले नहीं दिखा तेरे को हद है तेरी यार, अब देख रहा है नीचे को मुंह उठा के,
भाई पैसा नहीं देखना चाहिए, क्वालिटी देखनी चाहिए। ये था, मैंने सारी वो कॉक गिरा दी भाई 2 मिनट के लिए ना। ये मैंने ढक्कन नहीं लगाया उसका, क्योंकि पी रहा था मैं, उसमें हवा भरी जहर बन गई भाई गले में। अभी मेरे ना यहाँ पे जलन हो रही है, पता नहीं भाई कितनी गंद चीज है वो। शुगर फ्री कॉक सबसे गंदी चीज़ है, मेरे को इसने पहले ही बोला था कि ये मैंने पहले ही पी हुई है भाई। आज फिर ले ली, मेरे को प्यास लग रही थी, बहुत गंदी चीज़ है भाई, कोई मत ट्राई करना। चलो गाइस अभी मत्था टेक के मिलते हैं, पहुँच चुके हैं दरगाह पे। चप्पल सीधी कर दी मेरी, चलो भाई। तो गाइस अभी भाई करते हैं सेवा बर्तन साफ करने की, मत्था भी टेक लिया अपना, लंगर भी छक लिया। चलो गाइस अभी भाई निकल चुके हैं, अभी बिक्की बैंक जाना है, आप तेरे को मैंने कल भी काम बोला था, चले हम सीधा। चलो भाई बैंक में काम है थोड़ा सा, 10-15 मिनट का वो करके फिर सीधा घर आ जाएंगे। स्कूल आ चुका हमारा पीछे, हमने यहीं पे की है प्लस वन और प्लस टू। स्कूल के साथ बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं भाई। ये देखो बिक्की ने बड़े डंडे खाए भाई स्कूल में, मैंने भी खाए हैं बट इतने नहीं खाए भाई, है ना, इतने डंडे तो नहीं खाए हैं। पढ़ते थे भाई, पढ़ने वाले नहीं हम, ना एवरेज बच्चे थे, ना तो बैक वेंचर भी थे और एवरेज भी थे भाई, ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं आता भाई, पास अपने दम पे ही हुए हैं बस फायदा भी। गाइस कहाँ मेन रोड से निकल के अभी देखो हम नदी वाले रास्ते भी आ चुके हैं, क्योंकि आगे जा रहे हैं सोसाइटी में, एक दो काम है, मैंने बताया था आपको पहले ही, जैसे हमें बैंक में काम है कोई, सभी वो काम करना है भाई, जरूरी है मेन। प्लान इसको मैं बुद्धू बना सकता हूँ भाई, इतना बुद्धू बना सकता हूँ, बैंक बोल के कटिंग करवाने आ गया। आजा आजा क्या हालत होगी भाई, कटिंग देख भाई, ओए चाहे आज ही बस सीधा जाके मंडे पे बैठा दो, इतनी ज़्यादा कटिंग अच्छी हो चुकी है भाई, शादी के लिए रेडी हो चुकी है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है भाई। भाई एक बार स्टोर में भी जाना है, सो भी भाई स्टोर में चलते हैं, शीरो के टिक्स बहुत है, उसके लिए शैम्पू लेना है, बाकी कटिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, अभी बाल मेरे सेट होने लग पड़े हैं, वरना 20 साल में सेट नहीं हुए हैं जो अभी हो चुके हैं भाई 3-4 महीने में, बार बार गलत था मेरा, अभी सही करवाया है। यहाँ पे पेट्रोल पंप है लगा भाई, पेट्रोल पंप है वहाँ पे, आ जा मेरे को लगा पेट्रोल पंप है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी थी वो चार्ज कर रहा था। टिक्की लग जा काम पे, शीरो के लिए शैम्पू ढूंढना पड़ेगा अभी इसमें से भाई, कहाँ है शीरो के शैम्पू, शैम्पू शैम्पू फीड्स तो ये पड़ी है, सॉरी हाथ आ गया था आगे। शैम्पू किधर है भाई, दिख ही नहीं रहे, स्टोर्स में पूछ लिया अभी, दूसरे में नहीं मिला, तीसरा वो सामने रहा, वहाँ पे पता करते हैं, अगर मिल गया तो सही है वरना सीधा घर चले जाएंगे भाई। इसमें तो और ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूजन है, सारे शैम्पू पड़े हैं अभी ढूंढने पड़ेंगे, यहाँ पे डॉग्स के कहाँ पे है, ये सारे शैम्पू है यहाँ पे, डॉग्स के ढूंढ कहाँ पे है। मेरा सामान मिला नहीं, इसको खाने की पहले लग जाती है, चॉकलेट मंगवा ली इसने, चॉकलेट उठवा ली, अब पे तो करना ही पड़ना था, सो मैंने भी उठाई ली किट कैट, यहाँ भी नहीं मिला शैम्पू भाई। गाइस इसका नाम किट कैट क्यों पड़ा होगा भाई, बिक्की बता, जैसे डेयरी मिल्क का होता है वो दूध से बनती है, तो किट कैट क्या ये कैट से बनती है, बिक्की क्यों बना पड़ा इसका नाम किट कैट, सोचने वाली बात नहीं है, सोचना आप भाई, बेल लें जो ये कहता भाई किट कैट का नाम किट कैट इसीलिए बना है पड़ा है क्योंकि वो कैट से बनी है भाई, बिल्ली से बनी है, कंकर सी से होता है कैट, के से नहीं होता, दिमाग ही नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ है, वैसे सरकारी जॉब ढूंढ रहा है, एग्जाम दे रहा है, तेरे पल्ले कुछ नहीं है भाई। ये देखो कितनी कितनी अच्छी बिल्डिंग्स है भाई, यहाँ पे मन कर रहा है एक फ्लैट लेके ना सारी जिंदगी ही रहूँगा मैं तो भाई, देखो कितनी अच्छी है, मज़े बहुत है यहाँ पे भाई, मैं तो सारा दिन बालकनी में बैठ के निकाल दूँ बाहर बैठ के, यहाँ पे एक कुर्सी लगाओ आराम से बैठ जाओ, दुनिया देखो आती जाती भाई। भाई पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा ना जो दिख रहा होगा आपको भाई, फिर उसने बैरिकेड लगा दिए, ये VIP बंदे आ रहे हैं, बैरिकेड लगा देते हैं, इसको उठाना तो पड़ेगा ही अब दोबारा, फिर चलो अब लगा के नहीं जाएंगे, खुद लगाएगा वो, क्योंकि उसने भाई हमने लगा देना था, अगर हम खुला रखता तो उसने लगाया क्यों। चल भाई पहुँच चुके हैं भाई, शीरो हाँ जी वेलकम करने पे खड़ा है पहले ही मेरा, मम्मी को कटिंग दिखाऊंगा, मम्मी का रिएक्शन देखना भाई, मम्मी बोल ही नहीं सकती भाई, सही है चलो ठीक है, बाजी बाजी क्या बता पहले उसको छोड़, बाजी क्या मेरे के बड़े हैं, बड़े हैं बस, तुम कब चाहे ना मैं इतने से करा लूं फिर भी बड़े ही दिखेंगे। हाँ भाई भूख लगी है तेरे को, खाना डाला था इसको, चल चल आ जा। गाइस कभी भाई मेरे को लगता है मेरे से सुंदर कोई नहीं, अभी इतना बद्दा लग रहा हूँ ना खुद को भाई मैं, क्योंकि मेरे बाल चिपक चुके हैं, मेरे को बाल चिपके हुए पसंद नहीं, थोड़े कड़े होने चाहिए। हाँ मम्मी
अभी खाना खाते हैं फिर से भाई, बहुत है। थोड़े और डाल दे, थोड़े से बिल्कुल नॉर्मल। बस 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 बस, चलो भाई बस पानी दे दे, उसके बाद मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना 5 बजे तक, जब तक मैं जिम नहीं जाता। शीरो तूने खा लिया? तो गाइस जिम पहुंच चुका हूँ भाई, खाना खाने के बाद एक दो काम किए उसके बाद अभी जस्ट फ्री हुआ था, अभी जिम आ चुका हूँ और आज अपना वर्कआउट करेंगे भाई। पहले भी वैसे मैं रेस्ट करता था, सबसे पहले दिन मंडे को बंद होती है, ट्यूसडे और वेंसडे के बाद एक दिन रेस्ट करता था क्योंकि वेंसडे को लेग्स लगाता था मैं। सो आज अभी मैंने चेंज करना है अपना, वही रेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इतनी बॉडी थकती है नहीं, बेफजूल में रेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। सो आज हम लगाएंगे उस डे भाई। चलो पहुँच चुके हैं, ये देखो करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट। सो गाइस जिम से निकल चुका हूँ भाई, अभी जा रहा हूँ शीरे के लिए अंडा लेने, उसके बाद सीधा घर निकलते हैं भाई। और मेरे को भाई खुद ही अपना शक्ल पहचान में नहीं आ रही क्योंकि उसने बियर्ड काफी छोटी कर दी ना, देखो कैसे लग रही है भाई। चंपूसा नहीं लग रहा, चंपूसा सचिन, चंपूसा राहुल। अच्छा भाई साहब लो भाई, शीरो को घुमा दिया, अभी खाना डाल दिया इसको, इसको खुला छोड़ते हैं, मैं भी खाना खाता हूँ आज हमारे घर में भाई। शोर देखो कितना है बड़ा हुआ, पता नहीं क्या बातें करते हैं गाइस। अगर कोई भी लड़की इंस्पेक्टर या बैंक में लगी हो, अच्छी जॉब पे हो, तो ये लड़का है भाई, इससे मेरे से कॉन्टेक्ट कर लो, इसका रिश्ता करवाना है हमने, कोई अच्छी जॉब पे हो। बट ये कुछ नहीं करता, ये बेला है, ये बेला है बड़ा भाई। बताना अगर कोई लड़की हो उसके रिश्ते के लिए। 15 मिनट से बहस चल रही थी, इसको बोल दिया मैं ब्लॉग में ही दिखा देता हूँ। अगर कोई लड़की हो भाई, किसी ने देख लिया अचानक से ब्लॉग पे, बता देना, रिश्ता उसका हो नहीं रहा अभी। ऐसी मम्मी को तंग कर रहा था, मैंने ब्लॉग में ही दिखा दिया। अभी लपूसा नहीं लग रहा हूँ मैं भाई, वैसे दाढ़ी मैंने काफ़ी छोटी करवा दी है, वैसे जो भी है चलो सही है, अभी खाते हैं खाना। और बस हो चुका है आज का ब्लॉग ख़त्म, मिलते हैं कल फिनिक्स ब्लॉग के साथ। मैं भी कल सुबह से 5 बजे स्टार्ट करूँगा, उठ के वर्कआउट जाना है कल भाई, अगर या तो ठीक है वरना यही लेट होगा दिखूँगा आपको। सो चलो बाय बाय, मिलते हैं कल फिनिक्स ब्लॉग के साथ। नोट फॉर लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। खुश रहो, वाद रहो, जाद रहो, बाय।